हेलो फ्रेंड्स, आज के वर्कशॉप में इस कार के हर एक पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। ये कार हमें मिलता है कुछ ऐसा डिब्बा में और इसके ऊपर लिखा हुआ है ड्रिफ्ट स्टंट और लेफ्ट साइड ऊपर में आप देख सकते हो नट्टी टॉय लिखा हुआ है। और ये कार जो है रियली में नट्टी कार है। आप लास्ट तक देखना वीडियो को, आपको पता चल जाएगा क्यों इसके ऊपर नट्टी टॉय लिखा हुआ है। इसके साथ हमें मिलता है एक यूएसबी केबल जिससे आप इस कार के बैटरी को चार्ज कर सकते हो और इस केबल को आप अपने किसी भी मोबाइल में लगा सकते हो। इसमें एक एलईडी बल्ब जलता है, जब इसे आप चार्ज करोगे तो वो एलईडी बल्ब जलेगा और जब कंप्लीट चार्ज हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और ये है इसका रिमोट, बहुत ही हल्का है और बहुत ही सिंपल रिमोट है। इसके ऊपर एक एलईडी बल्ब है, जब इसमें बैटरी लगाओगे तो वो एलईडी बल्ब ब्लिंक करेगा। और इसमें दो डबल ए बैटरी लगता है, दो डबल ए बैटरी। और ये इस कार के साथ नहीं मिलता है, आपको ये खुद से लेना खरीदना होगा। और ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही हल्का है। ये बच्चों के हाथ में बहुत ही आसानी से फिट हो जाएगा और ये आसानी से यूज कर सकता है और आप भी अच्छे से यूज कर सकते हो। चलिए अब हम कार की तरफ चलते हैं। ये आरसी कार जो है वो ये थोड़ा हैवी है, वेट इसका थोड़ा ज़्यादा है। और जब आप इसे हाथ में लोगे तो जैसे लगेगा कि ये मेटल का बनाया गया है, क्योंकि इसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और इसके सामने में दो लाइट मिल जाता है हमें। तो चलिए अब हम इसके पीछे की तरफ देखते हैं और क्या क्या मिलता है। यहाँ पर एक स्लाइड स्विच है जिसके कारण आप इसे ऑन और ऑफ कर सकते हो आसानी से। और यहाँ पर बैटरी आप लगा सकते हो। इसके ये जो बैटरी आप देख रहे हो इस कार के साथ ही मिलता है हमें। और ये बैटरी 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी है 500 mAh का, जिसके कारण इसका अच्छा बैटरी बैकअप दे देता है और इसे आप आसानी से यूज कर सकते हो। इसे हम इसके पिन में लगा देंगे और जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो आप इसे बैटरी को निकाल के आप आसानी से अपने मोबाइल के चार्जर से और इसका जो USB केबल के साथ दिया गया है उसे लगा के आप यूज कर सकते हो। मतलब कि इसके बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसके कवर को लगा देते हैं और मैं आपको इसे यूज करके दिखाता हूँ। और ये जो कार है वो बहुत ही अच्छा है, आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हो, क्योंकि इसका जो बोर्ड है बहुत ही हार्ड है, ये जल्दी नहीं टूटेगा। ये जो आप रिमोट कंट्रोल कार देख रहे हो, इसके रिमोट में और कार में कोई लैग नहीं है। रिमोट के द्वारा ट्रिगर करते हैं, क्विक एक्शन करता है ये कार। और इसके सामने हमें दो लाइट मिल जाता है जो ब्लू और रेड कलर का LED बल्ब जलता है। और इसका जो व्हील है, व्हील को आप देख सकते हो ये किस तरह से बनाया गया है। इसका जो व्हील है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, आप इसे टच करोगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से इसे बनाया गया है और ये कितना ज़्यादा हार्ड है। इसके साथ ऊपर में इस तरीका से मिल जाता है जिसका ऊपर वाला भी जो है पार्ट है वो रोटेट करता है। तो चलिए अब हम इसके रिमोट के द्वारा आप मैं इसे कंट्रोल करके दिखाता हूँ ये किस तरीका से काम करता है। राइट साइड का जो ट्रिगर है उससे ये लेफ्ट और राइट होता है, ये कुछ इस तरीका से आप देख सकते हो कि लेफ्ट और राइट कैसे जा रहा है। ये इसे घूमने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद लेफ्ट और राइट जाता है। और आगे और पीछे करने के लिए ये लेफ्ट साइड का जो ट्रिगर है उससे आप आगे और पीछे कर सकते हो। चलिए मैं आपको आप इसके लार्ज फिगर में दिखाता हूँ। हम इस कार को यहाँ पर इस टेबल पर रख देते हैं ऑन करके और कैमरा को हम थोड़ा सा ऊपर करके लगा दिए ताकि ये आगे और पीछे दाएं बाएं हो तो आपको साफ साफ दिखे। ये आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट ये किस तरीका से जाता है। इसका व्हील जो है इस तरीका से बनाया गया है कि लेफ्ट और राइट ये बड़े आसानी से जाता है, इसे टर्न होने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो। और ये रिमोट से जब हम एक्शन करते हैं तो ये इसका जो कार है वो तुरंत काम करता है, इसके बीच में कोई लैग नहीं है और ये बहुत ही अच्छा से वर्क करता है, आप देख सकते हो। ये कार इस तरीका से लेफ्ट और राइट जाता है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था ये आपके बच्चों के लिए ये जो टॉय कार है वो बेस्ट रहेगा। और इसीलिए इसके ऊपर लिखा हुआ है नट्टी टॉय, ये किस तरीका से लेफ्ट और राइट जाता है आप देख सकते हो।